सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर चैनल। लैग हो गया था, मुझे नहीं लगा था कि हम इस हफ्ते महंगा रिव्यू अपलोड कर पाएंगे, बट ऊपर वाले का रहे मैं अपने ऊपर। हाँ, चैनल वापस आ गया टाइम पे। सो गाइस, इसी बात पे हम एक और महंगा रिव्यू लेके आ गए और आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1073 जिसका नाम है मिस बकिंघम स्टूशी। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो चैप्टर नंबर 1073, इस चैप्टर का टाइटल है मिस बकिंघम स्टूशी। ना सबसे पहली बात, इस चैप्टर का टाइटल स्टूशी क्यों पड़ा, तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ स्टूशी की ही बात होगी, बट वो वाले स्टूशी ने जिसको आप CP0 में देखते हुए आ रहे थे। इस चैप्टर में हमें रियल और फेक दोनों स्टूशीज के बारे में पता चलेगा। इतनी इंटरेस्टिंग डिटेल निकल के आएगी कि मजा आ जाएगा, स्पेशली रिलेटेड टू व्हाइट बियर्ड। एंड एक्चुअली मैं इस चैप्टर में एक ऐसा पैनल था जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि लिटरली मैं व्हाइट बियर्ड को देख रहा हूँ। मतलब पहले लुक पे लगा था, ऑब्वियसली जब आप दोबारा देखोगे वहाँ आपको पता चल जाएगा कि वो एडवर्ड वीबिल ही है। इस चैप्टर में हम देख सकते हैं डॉक्टर वेगा पंक जिसके सर से ज्यादा लंबा उसका जीव है, एंड ऑल्सो बैकग्राउंड में अदर मैट्स के साइंटिस्ट जो कि किसी टाइप के टैंक को टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन टैंक्स की इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैसे टाइप का फूल इसमें डाला गया जो कि गन पाउडर में भी खिल सकता है। तो ये तो वही बात हो गई कि गन में से फूल बरसाओ, ऐसे टैंक जो कि वैलेंटाइंस पे फायर होंगे। यार कमिंग टू द चैप्टर, तो चैप्टर वहीं से पिकअप करता है जहां पे लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था, जहां पे स्टूशी काकू को बेहोश कर दी थी। स्टूशी लूची को बोलती है कि तुम्हारे लिए बहुत ही कड़वी सच्चाई है। इसके हम देखते हैं अगले पैनल में तुरंत ही लूची स्टूशी के ऊपर अटैक कर देता है, और लूची जिस पे अटैक करता है वो एक्चुअली में स्टूशी का एक शैडो क्लोन होता है। तो स्टूशी उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, अच्छा तो अब मैं समझ गई, जब तुझे कुछ समझ में नहीं आता तो सबसे पहले मारने का ही हाथ उठाता है। आरा आरा लूची सान, बहुत ही जंगली हो रहे हो। और उसके हम देखते हैं कि स्टूशी भी पीछे से आके लूची को एक लव बाइट दे देती है और फिर वो भी बंदा बेहोश हो जाता है। और लूची उसको बोलता है, कुतिया तुझे छोड़ूंगा नहीं। स्टूशी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बच्चे कितने स्ट्रांग हो, तुम्हारे सामने आके तुमसे लड़ना बहुत ही चुतियाबा होता। इधर से ब्रूक और जोरो भी शिप पे खड़े होकर देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते कि आखिर ये क्या हो रहा है, CP0 के एजेंट्स अपने आप में ही क्यों लड़ रहे हैं। जोरो बोलता है, लगता है यहाँ फ्रेंडली फायर चल रही है। उसके बाद हम स्टूशी को देखते हैं कि वो एक स्नेल पे बोल रही होती है कि मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने दोनों लौंडों को सुला दिया है। इधर से वेगा पंक बिल्कुल ही खुश हो जाता है और बोलता है, बहुत ही सही न्यूज है, आखिर तुमने सब कुछ फिक्स कर दिया। नामी का ग्रुप ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, इसने उसको बोलता है कि भाई हो क्या रहा है, और नामी सोचते कि ऐसे ही तुम लोगों ने लूची को हरा दिया। इस पे शाका बोलता है कि हमने उसके ऊपर सरप्राइज अटैक किया था और स्टूशी की लॉयल्टी वेगा पंक के लिए सीक्रेट रखा गया था इवन जबकि उसने 20 साल तक CP0 के एजेंट की तरह सर्व किया था। इस पे वो सब बोलता है, यार तुम लोगों ने तो इंटेलिजेंस में ही एक चूहा छुपा रखा था, क्या बात है। इस पे शाका बोलता है कि ऐसा हमारा कोई इंटेंशन तो नहीं था, बट अब जरूरत पड़ने पे यूज करना पड़ा। स्टूशी आगे वेगा पंक को इन्फॉर्म करती है कि अनफॉर्चुनेटली उसकी भी अथॉरिटी उसी लेवल की है जिस लेवल की लूची, यानी कि CP0 के पास सेराफिम्स को कमांड करने की जो लेवल है वही सेम लेवल स्टूशी के पास भी है, वो ऊपर से सेराफिम्स को कमांड नहीं दे सकती। इसमें वेगा पंक के बाकी क्लोन जाने के लिए बोलती है कि तुमने बहुत कर दिया, अब हमारी बारी है। जोरो बोलता है, हमें उन सरफिम्स को तुरंत ही रोकना पड़ेगा इससे पहले वो सब कुछ तबाह कर दे। इससे ब्रूक बोलता है, ऐसा सिर्फ मुझे दिख रहा है या सच में इन बच्चों को मैंने कहीं और देखा है। इस पे जोरो बोलता है, मुझे पता है, स्पेशली एक बंदे को तो मैंने पक्का ही देखा है। सरफिम्स लैब में अटैक कर ही रहे होते हैं और इधर से लिलिथ नीचे गिरने वाली होती है। जैसे ही वेगा पंक लिलिथ बाहर निकलती है और कमांड देने वाली होती है, वो तुरंत दिखती है कि सेराफिम मीहॉक उसके ऊपर अटैक करने वाला है। उसने अपना निशाना साध लिया और तलवार चलाने वाला है कि तब तक रोरो जोरो, वो सामने से आता और सीधे सीधे सेराफिम मीहॉक का स्लैश रोक लेता है। लिटरली जोरो कूद के आया है और उसने उसके स्लैश को रोका है, मतलब हम इन सेराफिम्स को हल्के में नहीं ले सकते। जोरो सेराफिम हॉक को बोलता है कि अब जब मैं तुझे पास से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बची है, लेकिन फिर भी आखिर तू चीज क्या है। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि सेराफिम मीहॉक ने जोरो को दूर फेंक दिया है। आई नो आपके मन में क्या चल रहा होगा कि सेराफिम से क्या मतलब, जोरो थोड़ा सा यू नो कमजोर है या फिर सेराफिम्स को ज्यादा ही ओवर पावर्ड है। तो ऐसा नहीं है, जोरो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं फाइट कर रहा था, वो ऑब्वियसली देख भी सकते हो दो ही तलवार यूज कर रहा है यहाँ पे। तो अगर जोरो फुल पोटेंशियल पे फाइट करेगा तो आई डोंट थिंक कि सेराफिम हॉक ज्यादा टाइम तक टिक पाएगा, बट स्टिल अभी हमें सेराफिम्स के फुल पोटेंशियल के बारे में नहीं पता है। अगर इन्हें वॉलॉर्ड्स की रिप्लेसमेंट बनाया गया देन ये डेफिनेटली मीन समथिंग, इनके पास इनफ एबिलिटीज होंगी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कांट इमेजिन सेराफिम मीहॉक डिफीटिंग जोरो। लेकिन खैर, जोरो का ये डिस्ट्रैक्शन काम आता है और लिलिथ समय रहते ही सभी को ऑर्डर दे देती है कि सेराफिम लोग रुक जाओ और सभी के सभी फायर करना अपना छोड़ देते हैं। लेकिन कमांड देते देते एक लास्ट ब्लास्ट भी सेराफिम्स परफॉर्म कर देते हैं। ये देख के लिलिथ परेशान हो जाती है और सोचती है कि शायद एडिसन पेला गया। अभी वहाँ पे सांजी लैंड करता है और बोलता है कि क्या तुम इस खिलौने को खोज रही हो, और सांजी एडिसन को बचा लेता है। इसके हम देखते हैं कि सेराफिम्स फाइनली एक साथ खड़े हो गए और वो सभी के सभी रुक गए। चूशी इधर स्नेल पे बता रही होती है कि उसने लूची और कागो को सी स्टोन पहना दिया है, और वेगा पंक उसको ऑफर दे रहा होता है कि क्योंकि हम ये आइलैंड छोड़ के जा रहे हैं तो तुमको भी हमारे साथ आना चाहिए।
इसमें उसोप बोलता भाई लोग मत भरो यार, जन सेवा केंद्र थोड़ी ना ही है। अगले टाइम हम देखते हैं लूफी को, वो बोल रहा है बोनी तू कहाँ गई, और वेगा पंक चिच्चा आपके बिना तो हम जा भी नहीं सकते, जल्दी यहाँ आ जाओ। एंड उसके बाद हमें एक अनाउंसमेंट मिलती है कि एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया है, डॉक्टर वेगा पंक की मेन बॉडी गायब हो गई है। कहाँ गायब हो गई भाई? वैसे डॉक्टर वेगा पंक की मेन बॉडी को छोड़ो, मैं ये सोच रहा हूँ कि उसका पूरा दिमाग वो आइलैंड के अपर पार्ट में है, उसने अपना दिमाग खोल के बाहर कर दिया है और वो अपने बॉडीज को जिसको सैटेलाइट बोलता है उन्हें अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर वेगा पंक भाग भी जाएगा तो भी उसके दिमाग को ले जाना इम्पॉसिबल है। तो आखिर ये लोग करना क्या चाह रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। और आखिर किस बेसिस पे वेगा पंक बोल रहा है कि वो यहाँ से भागना चाहता है? पॉसिबली वो अपर डोम में इसीलिए भागना चाहता है क्योंकि अपर डोम में पॉसिबली कोई ना कोई एक ऐसा तरीका है इसके थ्रू वो अपने दिमाग को भी आईलैंड से कहीं और लेके जा सकता है। सो आई एम स्टिल थिंकिंग। और कोई रॉकेट वगैरह होगा तो बड़ा ही अजीब सा रहेगा वन पीस में, बट आई थिंक कोई एक ऐसा तरीका होगा जिसके थ्रू वो शिप की तरह से सेल होके जा सकता है। सो वो एक बिलीवेबल चीज लग रही है। इसके बाद अगले सीन में हम पहुंचते हैं स्फिंक्स आइलैंड पे। तो स्फिंक्स आइलैंड वही है न्यू वर्ल्ड में जहाँ पे व्हाइट बियर्ड का घर हुआ करता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्को वापस वानों से स्फिंक्स में आ गया है और यहाँ पर सभी बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि मरीन्स यहाँ पर आके हमला कर दिए थे। मार्को उन्हें सॉरी बोल रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था, सिचुएशन कुछ ऐसे ही हो गई थी। इसपे सभी लोग बोलते हैं कि मार्को इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो मरीन्स ही कमीने थे, वो यहाँ पर व्हाइट बियर्ड का खजाना चुराने आए थे बिल्कुल पायरेट्स की तरह। एंड ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है विच सजेस्ट कि मरीन्स और पायरेट्स एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है। बस मरीन्स वहां पे नहीं हमला करते जहां पे व्हाइट बियर्ड का एफिलिएशन है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से काइडो के पायरेट्स ही इलाकों में नहीं हमला कर रहे होते। हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पे मरीन्स इन्वेड कर रहे हैं इस आइलैंड पे और वो बोल रहे थे कि ये आइलैंड गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं है इसीलिए तुम्हारे पास कोई भी लीगल ह्यूमन राइट्स नहीं है, व्हाइट बियर्ड ने अपना खजाना यहीं पर छुपाया होगा, अगर तुमने हमें नहीं बताया कि उसने कहां छुपाया है तो हम ये मानेंगे कि तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट से दगाबाजी कर रहे हो, और वो एक्चुअली बच्चों के ऊपर गन दिखा के उन्हें शूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सभी के सभी गांव में रो रहे होते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमें प्लीज मत मारो, लेकिन वो लोग रुक नहीं रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम हमें इसलिए इंसानों की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो क्योंकि हम गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तुमसे बड़े जल्लाद मैंने नहीं देखे। एंड ये चीज एक्चुअली में रियल वर्ल्ड से भी काइंड ऑफ उठाई गई है कि कैसे टैक्स देना गवर्नमेंट को बहुत ही जरूरी, अगर आप नहीं देते हो आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है। जस्ट थिंक इट लाइक दिस, हम सभी मिडिल क्लास लोग टैक्स पे करते हैं अपनी सैलरी से, इवन मैं भी पे करता हूँ, बट क्या उसका कोई फायदा होता है? आई कांट सी, मुझे रोड सही होते हुए नहीं दिखते। आज भी मेरे अपने होम टाउन में जॉब्स की कमी है जिसकी वजह से मुझे छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम की जो माचोदी पड़ी है, लिटरली 4 साल कॉलेज में स्पेंड करने के बाद भी 2-4 किताबी नॉलेज से ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता जिसको मैं रियल वर्ल्ड में कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकता। दैट इज हाउ इट इज इन दिस कंट्री। खैर मैं गवर्नमेंट वगैरह किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट थोड़ा सा लाइन काफी रिलेटेबल लगा। मूविंग ऑन, पर इनसे यहाँ पर लोगों को धमकी दे रहे होते हैं कि इतने अकड़ में बात मत करो, स्पेशली जब मार्को यहाँ पर नहीं है। इसके बाद 2 मरीन ऑफिसर्स आके एक बूढ़ी औरत को पकड़ लेते हैं, उसे हवा में उठाते हैं और एक बंदा उनकी तरफ गन तान के उन्हें मारने वाला होता है। लोग यहाँ पर भीख मांग रहे होते हैं कि प्लीज रुक जाओ, वो एक बूढ़ी औरत है, पर ये लोग नहीं मान रहे होते। तभी अचानक से बैकग्राउंड में एडवर्डो वीविल, पर वो बंदा पूरा का पूरा व्हाइट बियर्ड का मुराकोमो गिरी इतना जोर से चला के मारता है, सारे के सारे मरीन एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जब मैंने पहली बार ये पैनल देखा था ना, मैं तुरंत ही नहीं पहचान पाया था वीविल को, ठीक है? मुझे ऐसा लगा था एक पॉइंट पे कि सच में व्हाइट बियर्ड यहाँ पर आ गया है, ठीक है मुझे पता था वीविल ही आने वाला है, मैंने स्पॉयलर्स पढ़े थे, बट स्टिल जब पहली बार पैनल देखा तो एग्जैक्ट नहीं क्लिक किया था, तो मुझे बहुत मजा आया था ये पैनल देख के। आई होप आपको भी पैनल देख के बहुत सही लग रहा होगा। वीविल इधर चिल्ला के बोलता कि बाप के घर से निकल जाओ नहीं तो सबकी मां चोद दूंगा, और सारे के सारे मरीन्स की फट जाती है और वो यहां से भाग जाते हैं। इधर मरीन ऑफिसर्स मरीन फोर्ड में कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमने सारे कॉन्टेक्ट को खो दिया है, वीविल ने सभी मरीन्स को डिफीट कर दिया है। वो लोग बैकअप मांग रहे होते हैं स्फिंक्स आइलैंड पे। इसके वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में आते हैं जहां पे बच्चे मार्को को बता रहे थे कि अगर वो बड़ा सा लड़का नहीं आता तो शायद विलेज खत्म हो जाता। इसके हम देखते हैं कि वीविल की माँ भी वहां पर आ जाती है और वो बोलती है कि मार्को कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। तुम्हें क्या लगता है मरीन्स इतनी आसानी से मानेंगे? पता उन्होंने बैकअप में किसको भेजा? नन अदर देन एडमिरल ड्यूकगू, यानी कि ग्रीन बुल। ग्रीन बुल वहां पर आया था और वो बिना हाथाफाई किए वीविल को पकड़ कर ले गया। कुछ भी करके मुझे मेरे बेटे को लौटा दो, जब तुम ये कर ही रहे हो तो व्हाइट बियर्ड का ट्रेजर भी मुझे दे दो। उसके बाद हम देखते हैं ये रिवील होता है फॉर्मर मेंबर ऑफ रॉक्स पायरेट्स, सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइंटिस्ट, मैड्स की रेसिडेंट, मुफ्तखोर मिस बकिंगहम स्टूशी। सो रियल वाली बकिंगहम स्टूशी यही है। स्टूशी उसको बताती है कि उसे प्रिजन इसलिए लेके गए क्योंकि वो अपने बाप के विलेज को बचा रहा था। तो मैंने लगता कि हमारे बच्चे के साथ गलत हुआ। इसमें मार्को कहता हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वो हमारे गांव को बचा रहा था। जिसपे स्टूशी उसको बोलती है कि तुम्हारे मुंह से सुन के पता चल रहा है कि तुम अभी भी वीविल को व्हाइट बियर्ड का बेटा नहीं मानते हो। खैर छोड़ो, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो कि ये बात प्रूव कर सकता है, डॉक्टर वेगा पंक। सो फाइन
इतनी लॉन्ग लिस्ट ऑफ वन पीस पेरेंट्स में वो इंसान भी आ गया जिसमें मैं नहीं विश्वास करने वाला था, दैट वॉज व्हाइट बियर्ड। ऑल फादर व्हाइट बियर्ड कुडंट बिकम फादर ऑफ हिज ओन सन। या सच में ऐसा हो सकता है? वो इंसान जिसने सबको पाला वो बस अपने बच्चे को नहीं पाल पाया, विच इज वेरी वियर्ड टू थिंक। मुझे यहाँ पर क्या लगता है कि ये व्हाइट बियर्ड का एक्चुअल सन नहीं है। इट इज वेरी मच पॉसिबल डॉक्टर वेगा पंग ने सम हाउ व्हाइट बियर्ड के जीन्स को क्लोन किया हो। एंड लेट अस से कि वो कोई क्लोन भी ना हो तो इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी तरह से व्हाइट बियर्ड के क्लोन को फीटस में इम्प्लांट किया गया हो जिससे एक व्हाइट बियर्ड का क्लोन जन्म ले। या फिर मच बेटर, जो कि मुझे लगता है काफी प्लॉजिबल बात लगती है, कि पॉसिबली स्टूशी प्रेग्नेंट होगी जब वो डॉक्टर वेगा पंग के पास रह रही होगी। दैट इज आई थिंक कि वेगा पंग इस बात को प्रूव कर सकता है। बट कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वीविल, जिस तरह से वो मुराको मुगिरी चला पा रहा है, आई काइंड ऑफ थिंक कि उसके पास इनफ स्ट्रेंथ है कि वो खुद को व्हाइट बियर्ड का बेटा बोल सके। कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर हम देखते हैं एक और सीन जो कि एगहेड आइलैंड से थोड़े से दूर समुद्र में है। यहाँ पे हम देखते हैं एडमिरल किजारू को जो कि अपने गेस्ट के लिए चाय और समोसे तैयार कर चुका है और वो अपने जूनियर से बोल रहा था कि तुम लोगों ने इस पे पॉइजन टेस्ट किया है या नहीं, जिस पे वो लोग बोलते हैं हाँ सर हमने चेक कर लिया, इसमें कोई भी जहर नहीं है। फिर उसके बाद खुद एक एडमिरल बोलता है कि ठीक है मैं ये चाय और पानी अपने गेस्ट को दे के आता हूँ। लिटरली एक एडमिरल जा रहा है चाय और पानी देने। इसको अगले पैन में हम देखते हैं किजारू एक्चुअली में चाय लेके पहुंच गया है और वो सामने वाले बंदे से पूछ रहा होता है कि क्या आप डॉक्टर वेगा पंग से मिले हैं पहले, जिस पे वो बंदा बोलता है कि काफी समय पहले एक बार मैं उससे मिला था, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि द हाईएस्ट अथॉरिटी इन दिस वर्ल्ड, वन ऑफ द फाइव एल्डर्स, सेंट जे ग्रेशिया सैटर्न है। और लास्ट लाइन, वन ऑफ द बिग विग्स फाइनली मेक अ मूव, के साथ चैप्टर नंबर 1073 खत्म। सो गाइस मांगा खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। आई नो चैप्टर 1073 से लोगों का बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन था। काफी सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें ब्लैक बियर्ड लॉ और गार्प वाला सीन देखने को मिलेगा, बट उसमें से कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो ये जो सीन, ये जो साइड स्टोरी चल रही है ना ब्लैक बियर्ड वाला हिसाब जो है, ये बेसिकली हाइप बनाने के लिए ही रखा गया। ये कभी कभी चैप्टर्स में आता है तो इसलिए इतना उम्मीद लगा कि आप लोग मत बैठो कि आपको अगले चैप्टर में देखने को मिल जाए। हमारा तो मन है ना यार देखने का, मुझे जानना है कि आखिर ब्लैक बियर्ड और लॉ के फाइट में क्या हुआ। जहां तक मुझे लगता है गार्प जो है वो इन लोग की फाइट को इंटरप्ट करेगा, क्योंकि लॉ अकेले ही ब्लैक बियर्ड से नहीं जीत सकता। टॉकिंग अबाउट फाइव एल्डर्स, तो एक फाइव एल्डर यहाँ पर क्यों आया है ये एक काफी इंटरेस्टिंग बात है। जहाँ पर मैं सोचा था कि किजारू किसी तरह से जोरों से फाइट करने जाएगा, आई थिंक हिसाब कुछ और ही होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा कहीं पॉसिबली स्ट्रॉ हैट्स को फाइव एल्डर्स में से किसी एक के साथ फाइट ना करना पड़े। बट अगर ये बंदा उतरा मैदान में तो पक्का लूफी को तो गेम में आना पड़ेगा। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा कि प्लॉट धीरे धीरे लूफी वर्सेस फाइव एल्डर्स में से एक की तरफ जा सकता है। इस बंदे का नाम भी सैटर्न है तो बाकी के बंदों का नाम मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ जुपिटर टाइप का होगा। मतलब उस बंदे ने सीधे बोला कि वो रिग्रेट करता है कि ये सिचुएशन आ गया है, मतलब उसको उतरना पड़ रहा है फाइट में। ये एक सिंगल लाइन ये दिखाता है कि ये बंदा कितना केपेबल है, कितना स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग यहाँ से निकलेंगे मरीन्स इधर रेडी है इनको इंटरसेप्ट करने के लिए। आगे क्या होगा मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बट अभी के लिए आई गेस दिस इज द एंड ऑफ रिव्यू ऑफ चैप्टर 1073 इज बकिंघम स्टूशी। थैंक्स अ लॉट गाइस, मुझे बहुत सही लगा आप लोग के मैसेज देख के, स्पेशली क्योंकि जब मेरा चैनल हैक हो गया था आप लोगों ने बहुत हेल्प किया इस बार फिर से, और लास्ट टाइम भी किया था। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। मीम्स वगैरह देखना तो आप मेरे दूसरे चैनल टिंकू चैट पे आ सकते हो। कुछ गजब के वन पीस मर्चेंडाइज खरीदने के लिए आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस वीडियोस को एंजॉय कर पाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।